खेल से जुड़ी सर्विस और सामान का वैश्विक बाजार लाखों करोड़ रुपए का है। यहां मेरठ से ही अभी 100 से अधिक देशों को स्पोर्ट्स का सामान निर्यात होता है। मेरठ लोकल के लिए वोकल तो है ही, लोकल को ग्लोबल भी बना रहा है। देश भर में ऐसे अनेक स्पोर्ट्स क्लस्टर्स को भी आज विकसित किया जा रहा है। मकसद यही है कि देश स्पोर्ट्स के सामान और उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर बन सके। अब जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है उसमें भी खेल को प्राथमिकता दी गई है, स्पोर्ट्स को अब उसी श्रेणी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी या दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स स्कूल में बाकायदा एक विषय होगा। उसका उतना ही महत्व होगा जितना बाकी विषयों का।